रंगीन झालरों से सजे मंदिर, सड़क पर लगे भव्य पंडाल, गणपति बप्पा की गगनचुंबी मूर्तियाँ और उनके दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें। जल्द ही कुछ ऐसा ही नजारा देश भर में देखने को मिलेगा, क्योंकि गणेश चतुर्थी का त्योहार आ रहा है। क्या आप इस शुभ दिन के लिए तैयार हैं? गणपति बप्पा को खुश करने के लिए इस दिन व्रत भी रखा जाता है, पर गणेश चतुर्थी की तारीखों के साथ कंफ्यूजन है तो हम इसे क्लियर कर देते हैं। इसके लिए लोकल 18 ने हरिद्वार के ज्योतिषी पंडित श्रीधर शास्त्री से खास बातचीत की है। साल 2024 में गणेश चतुर्थी 7 सितंबर शनिवार को मनाई जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि गणेश चतुर्थी 2 तारीखों में पड़ रही है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 6 सितंबर को दोपहर 12:09 से शुरू होकर 7 सितंबर को दोपहर 2:06 तक रहेगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान और व्रत को उदया तिथि में करना अच्छा माना जाता है। इस साल 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी की उदया तिथि होगी। इसका मतलब है कि 7 सितंबर को सूर्योदय से पहले स्नान करें और व्रत का संकल्प लें, ये सबसे अच्छा रहेगा। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश का जन्म हुआ था। इसे बड़े धूमधाम से गणपति बप्पा के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन भगवान गणेश को घर में स्थापित किया जाता है। इस दौरान गणेश जी की पूजा की जाती है और उन्हें मोदक का भोग लगाया जाता है। सितंबर को सूर्योदय से पहले स्नान करें और गणेश जी के सामने व्रत का संकल्प लें। भगवान गणेश की पूजा विधि पूर्वक करें और उनका प्रिय भोग उन्हें अर्पित करें। विशेष रूप से अगर गणेश चतुर्थी रविवार या मंगलवार को आती है तो उसे महाचतुर्थी माना जाता है और इसका फल करोड़ों गुना ज्यादा मिलता है। गणेश चतुर्थी का व्रत विधि पूर्वक और सही तिथि पर करने से भगवान गणेश की खास कृपा मिलती है। आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। गणेश चतुर्थी को सही तरीके से मनाएं। ऐसी ही धार्मिक जानकारी के अपडेट्स के लिए देखते रहें लोकल 18।